नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है, आपकी मतलब सोच कैसी है। एक कहावत भी है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। कि कहने का मतलब यह है कि हमारा जो खेत है उसमें हम जो बोएंगे वो उसी के फल आएंगे। जैसे मान लो आपने बबूल का पेड़ बो दिया है तो उसके अंदर आम कहाँ से हुए। एक कहावत है, हमारा जो नज़रिया है, हमारी हम जीवन के अंदर सफल होंगे या नहीं होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या है, हमारी थॉट्स क्या है। यदि हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो हम जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम आज नेगेटिविटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए कि अपने अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं। और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ी कर देगा। कई बार बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता, तो उसको कभी भी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि मन में हमने एक अविश्वास क्रिएट कर दिया, हमने मन के अंदर नेगेटिविटी के कारण हमने एक अविश्वास क्रिएट कर दिया कि हम उसके अंदर आई कांट मैं इसे नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपने उसी में हमने आई कैन ऐसा यदि हमने पॉजिटिव नज़रिया हमने बना दिया तो हम उसको कर सकते हैं, वाकई में उसको हासिल कर सकते हैं। तो हम जितना नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, जितना हम नकारात्मकता के बारे में, ये कहते हैं कि जो नकारात्मकता जो है इंसान और इंसानियत को ख़त्म कर सकती है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद तो मतलब नेगेटिव होते ही हैं, वो नकारात्मक। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो लोग हैं केवल केवल वो उनको बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। हमारा तो मानना है यदि कोई भी आदमी है उसके अंदर 100 में से यदि 99 मान लो बुराई है और उसके अंदर 1% अच्छाई है, तो हमें उसकी अच्छाई का बखान करना चाहिए जिससे कि वो धीरे 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 उसकी जो 99 जो बुराई है वो भी अच्छाई में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि मान लो कोई आदमी है उसके अंदर 99 मतलब अच्छाइयाँ हैं लेकिन एक उसके अंदर बुराई है, तो लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि मतलब जो एक जो परसेंट है ना, मतलब एक जो बुराई है उसी के बारे में, मतलब उसी के बारे में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसी के बारे में उसको बार बार करते हैं। तो पता लगता है कि उसकी जो 99 जो अच्छाई है वो भी बुराई में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या है कि नेगेटिविटी मतलब हमें नहीं सोचना है। जो नेगेटिव यदि आप सोचेंगे, यदि जीवन के प्रति आपका जो नज़रिया है वो नकारात्मक होगा, तो हम जीवन के अंदर खुद तो मतलब दुखी होंगे ही और हमारे कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो भी दुखी होंगे, या हमारे इर्द गिर्द हैं, या हमारे हमसे जो जुड़े हुए हैं, जैसे जितने भी जो रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे मामा मामी हों, चाहे चाचा चाची हों, तो हमारा जिंदगी के प्रति यदि हमारा नज़रिया नेगेटिव है, नकारात्मकता है, तो हम खुद तो बर्बाद होंगे ही और दूसरे लोगों को भी हम बर्बाद करने के उसमें मतलब बर्बाद करने का रास्ते बना देंगे। तो हमें जिंदगी के प्रति मतलब पॉजिटिविटी का नज़रिया रखना चाहिए, सकारात्मकता का नज़रिया रखना चाहिए। हम जितना नेगेटिव के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव के वजह से कि अभी हमने कहा है, जितना हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे इसका मतलब हम जो नकारात्मकता है हमारे जो बॉडी है, मतलब हमारे जो माइंड है उसके अंदर उसका हम एक तरीके से पोषण उसको दे रहे हैं। और जितना हम उसको पोषण देंगे, मतलब जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही हम जीवन के अंदर सफलता हासिल करेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करने के साथ साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमने एक बुक जो बनाई है काफ़ी मेहनत के बाद में, जैसे आप ये देख सकते हैं कि यह है बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं और हमने इसको पूरे देश भर में हजारों की तादाद में इनको लोगों को दे दिया हार्ड कॉपी के रूप में। लेकिन हर किसी को हार्ड कॉपी देना पॉसिबल नहीं है, पोस्ट से पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने अभी हमने एक एनजीओ बनाया है, सेव अवर अर्थ फाउंडेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेव अवर अर्थ फाउंडेशन एनजीओ, इसकी वेबसाइट है saveourearthfoundation.org। तो वहाँ पर हमने इस बुक को डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर दिया है। तो इसमें देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस बुक विच कैन हेल्प इन योर लाइफ, मतलब यू कैन अचीव योर सक्सेस, मतलब कहने वाला आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम आपसे यही निवेदन करेंगे, हमारी जो वेबसाइट की लिंक है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें जिससे कि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएं दें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगेन आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस वीडियो को देखा, और थैंक्स ए लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।